नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं दोस्तों आठ बड़ी खबरें। हमारी आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, हॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में शामिल हार्वे वेनस्टेन को बलात्कार और यौन शोषण का आरोपी बनाया गया है। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे। हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, एक अध्यापिका ने 15 साल के छात्र के साथ यौन शोषण किया है। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे। हमारी आज की तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, CBSE आज 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे दोस्तों, आप अपना रिजल्ट कहां पर और किस प्रकार देखोगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा है। हम आपको बताएंगे दोस्तों और क्या क्या कहा है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, यदि आप खालीपन से परेशान हो गए दोस्तों, तो दोस्तों खालीपन को दूर करने के लिए 10 रुपये में गर्लफ्रेंड मिल रही है। हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। दोस्तों हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, एक ऐसा गांव है जहां पर लड़का और लड़की बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे कि यह गांव कहां पर है। दोस्तों हमारी आज की अगली बड़ी खबर है, अमेजन का सामान वापस करने वाले ग्राहकों को अमेजन लाइफ टाइम के लिए बैन कर रहा है। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत के लोग विदेश जाकर पेट्रोल और डीजल सस्ता भरवा रहे हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां के लोग विदेश जाकर पेट्रोल और डीजल सस्ता भरवा रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं। हमारी आज की बड़ी खबर दोस्तों, हॉलीवुड के बड़े निर्माता हार्वे वेनस्टेन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों हॉलीवुड के अंदर बड़े निर्माताओं में शामिल हार्वे वेनस्टेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों उनके ऊपर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। दोस्तों हम आपको यह बात भी बता दें कि हार्वे वेनस्टेन को जमानत मिल चुकी है और अभी वो जमानत पर बाहर है, लेकिन दोस्तों उनके खिलाफ न्यूयॉर्क की एक अदालत के अंदर केस दाखिल हो चुका है। दोस्तों अब उनके ऊपर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में केस चलेगा। हम आपको बताएं दोस्तों, आखिरकार हॉलीवुड के इतने बड़े निर्माता हार्वे वेनस्टेन के ऊपर केस किस प्रकार लगा, हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, वेनस्टेन पर आरोप लगने के पहले दोस्तों वेनस्टेन के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया था। इस कैंपेन का नाम था दोस्तों मी टू। हाँ दोस्तों, मी टू कैंपेन के अंदर दोस्तों जो भी फेमस अभिनेत्रियां हैं हॉलीवुड की दोस्तों, उन्होंने इसके अंदर एक लेख लिखा था कि उनके साथ यौन शोषण किस प्रकार किया गया है, किसने किया है, इसके बारे में पूरी घटना बताई थी इन अभिनेत्रियों ने। हम आपको बताएं दोस्तों, इनके अंदर कौन कौन सी अभिनेत्रियां शामिल थी, हम आपको बताएं, अमरीकी अभिनेत्री एंजेला जोली, गिविनेथ पाल्ट्रो और जेनिफर लॉरेंस सहित कई अभिनेत्रियों ने जो बातें बताई दोस्तों, वह शर्मसार कर देने वाली थी। हम आपको बताएं दोस्तों, हमारे भारत देश की जो अभिनेत्री है ऐश्वर्या राय, उनका जो मैनेजर है उसने इस बात का दावा किया है दोस्तों कि वेनस्टेन ऐश्वर्या राय से भी अकेले में मिलना चाहते थे। हमारी आज की अगली खबर दोस्तों, एक अध्यापिका ने 15 साल के छात्र के साथ यौन संबंध बनाए। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, यह खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, और दोस्तों इस महिला टीचर की उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है। हम आपको बताएं दोस्तों, जहां पर ये महिला टीचर रहती थी इसी के पड़ोस के अंदर दोस्तों 15 साल का लड़का भी रहता था, और दोस्तों इस 15 साल के लड़के को महिला टीचर ट्यूशन पढ़ाती थी। हम आपको बताएं दोस्तों, खबर आ रही है कि मार्च महीने से ही लगातार बच्चे के साथ यह महिला शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों हम आपको बताएं, माता पिता को कब खबर लगी, जब लड़का फेल हो गया। हाँ दोस्तों, जब ही लड़का फेल हो गया, और दोस्तों जब माता पिता बच्चे को लेकर अध्यापिका के घर पर गए और दोस्तों शिकायत करने लगे, तो दोस्तों अध्यापिका ने शिकायत सुनने की बजाय लड़के को अंदर कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों माता पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर लड़के को अध्यापिका से छुड़वाया। हम आपको बताएं दोस्तों, लड़के को छुड़वाने के बाद भी महिला टीचर ने लड़के का पीछा नहीं छोड़ा, वह उसके घर पर पहुंच गई और वहां पर जाकर दोस्तों कफ सिरप पी लिया। दोस्तों माता पिता ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों ऐसी खबर जब आती है तो एक अध्यापक और जो स्टूडेंट का रिश्ता होता है उसके ऊपर कलंक लग जाता है।
हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड आज 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। आप अपना रिजल्ट कहां पर देखोगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों हम आपको बताएं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई आज शनिवार को 26 मई को 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करेगी। दोस्तों हम आपको बताएं, इस बात की जानकारी दी है मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव अनिल स्वरूप ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। हम आपको बताएं दोस्तों, इस साल 10वीं और 12वीं में 28 लाख स्टूडेंट बैठे थे। हम आपको बताएं, 10वीं के अंदर बैठे थे 16,38,000 और दोस्तों 12वीं के अंदर बैठे थे इस साल 11,46,000। दोस्तों अब हम आपको यह बता रहे हैं कि आप अपना जो रिजल्ट है वह कहां पर देखोगे। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट के जो लिंक है वो अपडेट कर दिए हैं। दोस्तों आप वहां पर जाकर अपना जो रिजल्ट है वो देख पाओगे। हम आपको एक बात और बताएं दोस्तों, इस बार गूगल भी आपको जो 12वीं कक्षा का रिजल्ट है सीबीएसई का वो दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि दोस्तों सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए गूगल के साथ करार किया दोस्तों, और गूगल के साथ करार करने के बाद दोस्तों आप अपना रिजल्ट गूगल के ऊपर जाकर भी देख सकते हो। किस प्रकार देखोगे हम आपको बताएं दोस्तों, गूगल के होम पेज के ऊपर आपको सर्च के अंदर टाइप करना होगा सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट या सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट या दोस्तों सीबीएसई रिजल्ट। इस प्रकार के आप कीवर्ड जब गूगल के ऊपर टाइप करोगे दोस्तों, तो दोस्तों गूगल एक सर्च बॉक्स खोल देगा। उस सर्च बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी उम्र है एज है वो डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप गूगल के ऊपर भी अपना रिजल्ट देख पाओगे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में। हाँ दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी भाषा की मर्यादा तोड़ दी है। हम आपको बताएं दोस्तों, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी को भोगी कहा है, और दोस्तों ये भी कहा है कि उनको चप्पलों से मारना चाहिए। क्यों कहा है ऐसा हम आपको बताएं दोस्तों, ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा दोस्तों। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा दोस्तों कि विराहा में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण के दौरान योगी ने अपनी खड़ाऊ नहीं उतारी थी दोस्तों, इस कारण उनको चप्पलों से पीटना चाहिए। ये बात कही है दोस्तों उद्धव ठाकरे ने। हम आपको बताएं दोस्तों, ठाकरे ने कहा है कि ईश्वर के प्रतिरूप शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष जाने से पहले उनको खड़ाव उतारना चाहिए। खड़ाव उतारने का मतलब होता है कि आप उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हो। तो दोस्तों हम आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जी ने खड़ाव पहनकर ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। इस कारण दोस्तों उद्धव ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने अपनी इस भाषा का प्रयोग किया। हम आपको बताएं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने अफसोस भी जाहिर किया है बीजेपी के साथ रहने का। उन्होंने कहा है दोस्तों कि हमें 25 साल हो गए बीजेपी के साथ रहकर और हमें काफ़ी अफसोस है। दोस्तों कैसा भी अफसोस हो, कैसी भी बात हो, लेकिन इस प्रकार भाषा का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। हमारी आज की अगली खबर दोस्तों, खालीपन को दूर करने के लिए 10 रुपये में गर्लफ्रेंड मिलती है। हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, दुनिया के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती है। दोस्तों एक देश ऐसा भी है जहाँ पर दोस्तों 10 रुपये के अंदर गर्लफ्रेंड मिलती है। हम आपको बताएं दोस्तों, यह जगह कहाँ पर है। दोस्तों यह जगह है चीन के गुआंगडोंग इलाके के अंदर। वहाँ पर दोस्तों एक स्टोर है, उसका नाम है दोस्तों द वाइटिलिटी सिटी इन वन सिटी। दोस्तों इस स्टोर के अंदर जो खूबसूरत मॉडल है वह कतार लगा के खड़ी रहती है। दोस्तों हम आपको बताएं दोस्तों, कोई भी पुरुष इस स्टोर के अंदर जाता है तो दोस्तों वह अपनी मनपसंद की लड़की को चुन सकता है और दोस्तों उसको 20 मिनट तक अपनी गर्लफ्रेंड 10 रुपये देकर बना सकता है। हाँ दोस्तों, 10 रुपये के अंदर 20 मिनट तक वह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी। दोस्तों आप उस लड़की के साथ शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों आप उस लड़की को उसकी मर्जी के बिना छू नहीं सकते, उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, उसको कहीं और ले जाने का प्रस्ताव भी आप नहीं दे सकते। सिर्फ आप उस लड़की के साथ शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। दोस्तों ये एक अच्छी खबर है खालीपन को दूर करने के लिए। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, एक ऐसा गांव है जहां पर लड़का और लड़की बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराने जा रहे हैं दोस्तों, आखिरकार ऐसा गांव कहां पर है। दोस्तों
यह गांव है राजस्थान के अंदर। हम आपको बताएं दोस्तों, राजस्थान के अंदर गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं दोस्तों, और यह जो जनजाति होती है दोस्तों, इसके अंदर एक अजीबोगरीब रिवाज है। हम आपको बताएं दोस्तों, इस रिवाज के अंदर लड़का और लड़की बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं दोस्तों। जो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसके कारण दोस्तों न तो इनके परिवार वालों को आपत्ति है, न ही गांव वालों को आपत्ति है, और दोस्तों बच्चे पैदा कर सकते हैं। बच्चा पैदा करने के बाद दोस्तों, जो भी पुरुष बच्चा पैदा करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उस बच्चे का पालन पोषण करने का। हम आपको बताएं दोस्तों, यह प्रथा हजारों साल पुरानी है, और दोस्तों हम आपको बताएं, लड़का लड़की शादी करने के लिए दोस्तों, पार्टनर चुनने के लिए इस जनजाति के लोग राजस्थान और गुजरात के अंदर मेला भी लगाते हैं दोस्तों, और उस मेले के अंदर लड़कियां चुनते हैं। हमारी आज की बड़ी खबर है दोस्तों, अमेजन ई कॉमर्स कंपनी के बारे में। हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप अमेजन कंपनी के साथ शॉपिंग करते हो, और दोस्तों कई बार आपको जब सामान पसंद नहीं आता तो आप अपने सामान को रिटर्न कर देते हो दोस्तों, यदि आप अमेजन के 10% सामान को रिटर्न कर दोगे तो दोस्तों अमेजन कंपनी आपके ऊपर बैन भी लगा सकती है, लाइफ टाइम बैन लगा सकती है। हम आपको बताएं दोस्तों, अमेजन आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन क्यों लगा सकती है, क्योंकि दोस्तों आप अमेजन के 10% से ज़्यादा सामानों को रिटर्न कर रहे हो दोस्तों। हम आपको बताएं, अमेजन ने रिटर्न पॉलिसी तैयार कर ली है, जो भी ग्राहक 10% से ज़्यादा अमेजन का जो सामान है उसको रिटर्न कर रहा है दोस्तों, उसके ऊपर अमेजन कंपनी बैन लगा रही है। हम आपको बताएं दोस्तों, कुछ समय पहले अमेजन ने रिटर्न पॉलिसी की शुरुआत करी थी दोस्तों, और इस रिटर्न पॉलिसी के अंदर कहा गया था दोस्तों कि सामान की डिलीवरी होने के 30 दिन के अंदर सामान वापस कंपनी लेती है, यदि ग्राहक को सामान पसंद नहीं आता दोस्तों। इसके कारण जो कई ग्राहक है वह सामान वापस करने लगे, और ज़्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़ गई सामान वापस करने वालों की। और दोस्तों अब इस पॉलिसी के अनुसार यदि कोई ग्राहक 10% से ज़्यादा अमेजन का सामान रिटर्न करता है दोस्तों, उसको अमेजन बैन कर रहा है। हाँ दोस्तों, यह खबर छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर, इस प्रकार की खबरें आ रही है। तो दोस्तों यदि आप अमेजन के साथ शॉपिंग करते हो तो दोस्तों आप अमेजन का सामान वापस ना करें, हो सकता है कि अमेजन आपको बैन कर दे। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत के लोग विदेश जाकर पेट्रोल और डीजल सस्ता भरवा रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराने जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, भारत के अंदर एक राज्य ऐसा है जहाँ के लोग विदेश जाकर पेट्रोल और डीजल 20 से 25 रुपए सस्ता भरवा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है, इस राज्य का क्या नाम है, और इस राज्य के अंदर कौन सा जिला है जहां के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हम आपको बताएं, देश की राजधानी से 1897 किलोमीटर दूर असम का एक जिला है दोस्तों, इसका नाम है बक्सा जिला। हाँ दोस्तों, बक्सा जिले के पास में दोस्तों भूटान की सीमा लगती है। हम आपको बताएं दोस्तों, भूटान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है दोस्तों वह सस्ती है, वहाँ पर दोस्तों पेट्रोल की कीमत है 52 रुपये, और दोस्तों असम के अंदर पेट्रोल की कीमत है 76 रुपये। वहाँ के लोग क्या करते हैं दोस्तों, बक्सा के जो लोग हैं वह चेक पोस्ट को पार कर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर 20 किलोमीटर दूरी पर ही दोस्तों भूटान के अंदर पेट्रोल पंप है, वहाँ जाकर वो पेट्रोल भरवा लाते हैं, और वहाँ से पेट्रोल उनको मिल जाता है दोस्तों 52 रुपये प्रति लीटर के अंदर। वहीं पर असम के अंदर पेट्रोल की कीमत है 76 रुपये प्रति लीटर। तो दोस्तों इस प्रकार जो वहाँ के लोग हैं वह दोस्तों 20 से 25 रुपये सस्ता पेट्रोल भरवा रहे हैं दोस्तों। हम आपको यह बात बताएं कि पेट्रोल भारत से ही भूटान जाता है दोस्तों, भारत ही भूटान को पेट्रोल भेजता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान में पेट्रोल डीजल की सप्लाई करता है दोस्तों। हमने आपको बताई हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारा जो चैनल आज की खबर, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।